शुक्रिया अदा आप सभी लोगों का, उन सबको जिन्होंने समझा मुझे। हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब कुछ थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी यार चैनल को सपोर्ट किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। यार, आप सब के सपोर्ट के बिना ये चैनल अभी 100 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुँच पाता। तो यार भाई, दिल से थैंक्स। और जैसा कि मैंने वादा किया था, 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर गिव अवे होने वाला है। तो यार, उसी गिव अवे की डिटेल्स मैं आज आपको दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक, आपको सारे डिटेल्स मैं देते रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो गाइस, इंट्रो के बाद आप सबका दोबारा स्वागत है। तो यार, आज की वीडियो में हमारे पास ज़्यादा लीक्स तो नहीं है, पर जितने भी लीक्स हैं यार, बड़े काम की लीक्स हैं। तो यार, वीडियो को पूरा देखना, एक भी जगह स्किप मत करना, क्योंकि आज वीडियो में गिव अवे के डिटेल्स भी होंगे। तो यार, स्किप करोगे तो यार आप ही का घाटा है। तो भाई, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए पहले लीक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अगली लीक निकल के आ रही है आने वाले एलीट पास को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, आने वाला एलीट पास जो है वो निंजा थीम के ऊपर होगा। और जैसा कि आप ये बैच देख सकते हैं, निंजा स्टार बना हुआ है, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि अगला थीम एलीट पास का निंजा वाला होने वाला है। तो उसी के दो कॉस्ट्यूम निकल के आए हैं, ये एक ब्रूस ली वाला कॉस्ट्यूम और ये फीमेल का पता नहीं क्या नाम है। तो ये दो कॉस्ट्यूम निकल के आए हैं और यही होने वाले हैं अगले एलीट पास के कॉस्ट्यूम। लीक्स में तो यही निकल के आया। अब ये 100% ट्रू है या कितने परसेंट सही है वो तो मुझे भी नहीं पता। मेरे हिसाब से 90% ट्रू है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये हर लीक सच होते हैं। तो ये रहे लीक्स, और आप ही बताओ कि लीक्स कितने हैं परसेंट सच हैं, कितने परसेंट झूठ। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले लीक की तरफ। तो गाइस, अगली जो लीक निकल के आ रही है वो है एक पैक के नए स्किन को लेकर। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ब्लू वाले बैग के स्किन निकल गई है। तो यार, मुझे तो ये बैग बड़ा तगड़ा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस बैग की बात करें तो ये बैग यार डिज़ाइन में तो सेम वैसा ही है पुराने बैग की तरह, जो आपको पहले लीड पास में भी सेम इसी तरह का बैग देखने को मिला था। और पुराना लक रॉयल था हमारा डायमंड रॉक रॉयल, तो उसमें भी हमें ऐसा ही बैग बस पिंक कलर में देखने को मिलता था। तो गाइस, आप बताओ कि ब्लू वाला बैग आपको कैसा लग रहा है। यार, मुझे कलर वाइज और डिज़ाइन वाइज तो ये बैग सही लग रहा, बस एक ही चीज़ का दुख है कि यार पुराना डिज़ाइन क्यों दे रहे हो यार, थोड़ा तो कुछ नया निकालो यार, वरना ऐसे तो ये बैग तगड़ा है यार। जैसा कि देख सकते हो, बैग पे आदमी का शक्ल बना हुआ है यार, क्या मस्त दिख रहा। तो गाइस, आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लीक की तरफ। तो यार, अगले लीक में बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो यार वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और करो अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि उनको भी पता चले कि गेम पे और क्या क्या आने वाला है। तो चलिए इसी नोट पे बढ़ते हैं अगले लीक की तरफ। तो गाइस, अगली लीक निकल के आ रही है बैग से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गेम पे अगर आपको नए ग्रेनेड या कुछ भी स्किन मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे दिखेगा आपके हाथ में, या फिर आप जब फेंकोगे तो वो कैसे दिखेगा। लेकिन बैग से रिलेटेड ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप बैग कैसा दिखेगा जब आप पहनोगे या फिर कैसे दिखेगा। उसके लिए आपको डायरेक्ट गेम पे जाना पड़ता है। तो यार, वो सब बड़ा झंझट का काम है। तो इसीलिए गरना वाले एक नया ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, जिसमें आपको लॉबी बोल रहा हूँ यार, आपके वॉल्ट पे ही आप चेक कर सकते हो कि आपके बैग आप जब पहनोगे तो कैसे दिखेगा। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हो, जैसे कि ये बंदा बैग पहन के खड़ा है और वो आप देख पा रहा है कि उसका बैग कैसा है। तो यही सीन है, ये वाला अपडेट अगले वो भी 19 में आ जाएगा। तो गाइस, आप बताओ आपको कैसा लगा, क्या आप एक्साइटेड हो कि आप बैग कैसे पहन के कैसे दिखेगा वो देखने के लिए। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले लीक की तरफ। तो अगली लीक निकल के आ रही है हमारे आने वाले इनक्यूबेटर के कॉस्ट्यूम को लेकर।
तो गाइस हम मैंने दो दिन पहले एक वीडियो में आपको दिखाया था कि अगले आने वाला जो कॉस्ट्यूम है इनक्यूबेटर का वो कैसा होने वाला है। तो गाइस उसे से रिलेटेड अब उनकी ब्लूप्रिंट भी निकल के आ गई है, तो आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे। ये रही हमारे लेफ्ट साइड में आने वाले इनक्यूबेटर की ब्लूप्रिंट, और साथ ही में हमारी जो राइट साइड में वह उसके बाद जो आएगी ब्लूप्रिंट, आई मीन इनक्यूबेटर की कॉस्ट्यूम उसकी ब्लूप्रिंट। लेकिन यार उसकी ड्रेस निकल के अभी तक बाहर नहीं आई है, मीन कॉस्ट्यूम अभी तक निकल के बाहर नहीं आई है। तो यार जब भी वो कॉस्ट्यूम की लीक्स निकल के आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को करना सब्सक्राइब और बगल में जो घंटा बन के आएगा उसको भी क्लिक कर देना है, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ हमारे चैनल की। तो गाइस ये रहा ब्लूप्रिंट, आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। यार छोड़ो मत बताओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अगले लीक की तरफ। तो गाइस अगर मैं कहूँ कि आप भी ट्रेजर हंट के अगले आने वाले जगह को प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या आप मानोगे? अगर यार नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो यार ये फोटो को पहले आप ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक क्रॉस और कुछ डॉटेड लाइंस। अरे नहीं यार, ध्यान से देखो, इस पर आपको पता चले दिखेगा कि हमारा जो ट्रेजर हंट इवेंट था वो कैसे कैसे आया, पूरे सीक्वेंस पे है ये फोटो। तो यार सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो हमारा आया था ग्रेवयार्ड के पास, फिर आया था हमारा ऑब्जर्वेटरी या बोले तो हंगर के पास, फिर वैसे ही करके हमारा गया अपना क्लॉक टावर के पास, फिर रिमनाम विलेज। तो भाई ये फोटो में पूरे सीक्वेंस में दिया हुआ है कहाँ है, कहाँ का आया था आई मीन। तो भाई जो इस फोटो में हमारा आखिरी जगह है वो था हमारा सेंटोसा आइलैंड के बगल वाला ब्रिज। तो भाई उसके बाद तो आपको पता ही है कि अगला कहाँ आया था, क्योंकि वो आज का इवेंट था और आज का इवेंट हमारा सेंटोसा आइलैंड में आया था। तो गाइस इसी फोटो के हिसाब में हम प्रेडिक्ट करेंगे आने वाला जगह कहाँ होने वाला है। तो यार अगर हम फोटो की माने तो जो हमारा आने वाला जगह हो सकता है वो हो सकता है केप टाउन या फिर काटाटुआ। तो भाई मैं ये फोटो के हिसाब में प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, ये 100% ट्रू हो भी सकता है नहीं भी। तो यार वो तो कल ही पता चलेगा कि कहाँ आएगा या नहीं आएगा हमारा, केप टाउन पे या फिर काटाटुआ पे। तो गाइज मुझे तो लीक मिली, मैंने आपको बता दिया बस। तो गाइज चलिए बात करते हैं उस चीज़ को लेकर जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। तो यार सिंपली यार सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जो दिखाया उसके लिए। यार उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही साथ हमें आगे तक देते रहेंगे। तो गाइस गिव अवे में कैसे पार्ट ले सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपली हमारे इस जो वीडियो है मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है हैशटैग गिव अवे, फिर आपका कुछ भी प्यारा सा कमेंट और फिर आपके गेम के यूआईडी नंबर। तो यार बोलना चाहूँगा कि यूआईडी नंबर और हैशटैग गिव अवे ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये दो चीज़ भूलना मत और ज़रूर से लिखना, वरना आप गेम हमारे गिव अवे पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो गिव अवे है वो 3 दिन तक चलेगा, मतलब कि हमारे आज से लेकर 3 दिन बाद जो भी वीडियो आएगा उस पर मैं अपने गिव अवे के विनर को अनाउंस कर दूंगा। तो भाई 3 दिन बाद वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना। और बताना चाहूँगा यार एक से ज़्यादा कमेंट मत करना, क्योंकि उसमें आपके जीतने के चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेट कमेंट्स को मैं हटा दूंगा। और हम सिंपली अपने जो रैंडम कमेंट पिकर वाला ऐप होता है उससे हम रैंडम कमेंट पिक करेंगे 3 दिन बाद, जिसकी लाइव वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। लाइव वीडियो आई मीन मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। तो भाई बस होप्स हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें हमारे इस गिव अवे में। तो भाई यही थी हमारे गिव अवे की डिटेल्स, होप्स हो आप पार्टिसिपेट करो और आप जीतो। तो भाई चलिए अब वीडियो करते हैं ख़त्म, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। सबका शुक्रिया अदा जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट किया, चाहता हूँ माफी उन सभी लोगों से जो सोचते हैं मैंने उन्हें डिसअपॉइंट किया। करता हूँ शुक्रिया अदा आप सभी लोगों का, उन सबको।